इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप जो है सैमसंग के मोबाइल फोन में पिन लॉक को चेंज कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपने जो अपना पिन सेट किया था मोबाइल को अनलॉक करने के लिए, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके पिन को जान गया है और अब अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आप जाएंगे सैमसंग मोबाइल फोन के सेटिंग में, फिर यहां पर आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आपको लॉक स्क्रीन और एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, या सिर्फ आपको लॉक स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल सकता है, या सिर्फ आपको सिक्योरिटी का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो आपको जो भी ऑप्शन मिले, लॉक स्क्रीन, सिक्योरिटी या फिर लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी का, आपको आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा स्क्रीन लॉक टाइप का, या हो सकता है ये सेटिंग आपको सबसे ऊपर ही मिल जाए। तो आपको स्क्रीन लॉक टाइप ऑप्शन ढूंढकर आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपने जो पहले से पिन दोस्तों जो आपका सेट है, तो दोस्तों वो पिन आपको डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आप अपना जो है पहले वाला पिन यहाँ पर डाल देता हूँ। डाल देने के बाद आपको ये नेक्स्ट पर क्लिक करना कर देना है। अब देखिए पिन लॉक चेंज करने के लिए आप यहाँ पिन पर क्लिक कर देंगे और अब जो आप नया पिन बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर जो है 4579 मैं अपना जो है नया पिन बना लेता हूं। तो पिन डाल देना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंफर्म करने के लिए फिर से आपको जो है नया पिन डाल देना है। चलिए मैं फिर से जो है नया पिन डाल देता हूं। डाल देने के बाद ओके पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपके फ़ोन जो है पिन लॉक चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में पिन लॉक को चेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।